पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगी, बजट पर बहस। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का बजट 2022-23 पेश किया था। आज उसी बजट पर सदन में बहस की जाएगी और साथ ही साथ नकल विरोधी कानून भी सदन में पेश किया जाएगा। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी रखेंगे पीएससी का प्रतिवेदन। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 विधानसभा में पेश किया था, आज उसी बजट पर सदन में बहस शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ ही शुरू हो जाएगी सदन की कार्यवाही। सदन में आज लाया जाएगा नकल विरोधी कानून विधेयक। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी रखेंगे बीएससी का प्रतिवेदन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, जानना चाहेंगे कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का बजट 2022-23 पेश किया और आज उस बजट पर विधानसभा में बहस होगी और साथ ही साथ नकल विरोधी विधेयक भी लाया जाएगा, क्या कुछ और अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आगामी वित्तीय वर्ष का बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल पेश किया और इस बजट में बहुत सारी घोषणाएं प्रदेश की जनता की ओर की गई, घोषणाएं भी की गई और प्रदेश की जनता को इस बजट के माध्यम से राहत देने का भी प्रयास किया गया। तो जो बजट सीएम की ओर से पेश किया गया है उस पर आज से सदन में बहस शुरू होगी, चर्चा होगी। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इस पर चर्चा करेंगे किस तरह का बजट है और किस तरह से प्रदेश की जनता को इसके माध्यम से राहत मिलेगी। तो बजट को लेकर चर्चा शुरू होगी। इसके साथ ही आज सदन की जो कार्यवाही है सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ ही शुरू होगी। प्रश्नकाल के दौरान पक्ष विपक्ष की ओर से जो प्रश्न विधायकों की ओर से लगाए गए हैं वो प्रश्न होंगे और इसके बाद मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है विधानसभा की, क्या बिजनेस है उसका प्रतिवेदन रखेंगे, कब तक विधानसभा चलेगी और क्या क्या विधानसभा का बिजनेस रहेगा इसका प्रतिवेदन रखेंगे और उसके बाद बजट पर बहस शुरू होगी। इसके साथ ही आज सदन में कई विधायक कार्य भी होंगे, क्योंकि देखिए हाल ही में रीट का पेपर आउट हुआ और उसके बाद परीक्षा रद्द की गई, तो इसको लेकर सरकार ने ये घोषणा भी की पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कि एक नकल विरोधी विधेयक कानून ला बनाया जाएगा, इसके लिए आज सदन में ये बिल लाया जाएगा तो इस पर भी चर्चा होगी। और एक नकल विरोधी जो कानून है भर्ती में अनुचित साधनों के प्रयोग पर एक कठोर कानून बनाया जाए इस पर भी ये बिल लाया जाएगा और उस पर भी चर्चा होगी। तो इस तरह से आज सदन में कई विधायी कार्य भी होंगे, कई मंत्रियों की ओर से वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे और मुख्य रूप से बजट पर बहस आज के सदन में शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल दिनेश, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आज राजस्थान विधानसभा में कल पेश किए गए बजट 2022-23 पर बहस होगी और साथ ही साथ नकल विरोधी विधेयक भी आज सदन में प्रस्तुत किया जाएगा।